कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। हजारों श्रमिक दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, घर वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार स्पेशल ट्रेनें चला रही है, वहीं ऐसे भी मजदूरों की कमी नहीं है जो जुगाड़ के जरिए पलायन कर रहे हैं। शनिवार को मध्य प्रदेश में इंदौर उज्जैन रोड चेकिंग पॉइंट पर 18 ऐसे मजदूरों को पकड़ा गया है जो निर्माण कार्य में काम आने वाली मिक्सर मशीन में छुपकर सफर कर रहे थे। पुलिस ने जांच के बाद उन्हें पकड़ा है। ये मजदूर महाराष्ट्र में कई दिनों से फंसे हुए थे, मिक्सर मशीन में सवार होकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। डीएसपी ट्रैफिक उमाकांत चौधरी के मुताबिक शनिवार सुबह पंथ पिपलाई बॉर्डर पर जवानों ने एक मिक्सर मशीन को जाँच के लिए रोका। जब पुलिस कर्मियों ने इसकी जाँच के लिए रोका तो चालक घबरा गया। चालक से पूछताछ की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मिक्सर मशीन की जांच की गई तो सभी हैरान रह गए। उसके भीतर से कुछ लोगों के बात करने की आवाजें आ रही थी। पुलिस ने जब मिक्सर का ढक्कन खुलवाया तो उसमें 18 मजदूर बैठे हुए नजर आए। सभी को एक एक कर नीचे उतारा। ये सभी मिक्सर मशीन में बैठकर उत्तर प्रदेश अपने घर जा रहे थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।